इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। दर्शन आंख दर्शन करे। दर्शन कैसे करे? देखे अखिया बंद कर ले, देखे बंद कर ले, दर्शन करे हृदय में पधरा ले। हरिताम्बर धारिन, आज भगवान हरे वस्त्र में रहते हैं। गुरुवार को पीताम्बर धारिन, पीले वस्त्र में रहते हैं। भगवान का नित्य दर्शन सिद्ध हो, आंख में लाए और हृदय में उतर जाए। जो चलता रहेगा अपने पास रहेगा। अभ्यास हो जिह्वा, यहां त्रदेव का वास है। जस तुम्हार मानस विमल हंस मुक्ता हल गुन गन चुनई राम बसो। जस तुम्हार मानस विमल, यस विमल यस सलील निर्मल। आपके दिव्य यश सलील से जिसकी जिह्वा गुण समूह रूपी मोती चुने। आप सुन रहे, हम लोग गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? राम गुण गा रहे हैं। जितना गा लेंगे, जितना सुना लेंगे, उतने पुण्यवर्धन होगा, उतना चित्त प्रभु की ओर लगेगा, प्रभुमय हो जाएंगे हम आप। राम गुण गाया नहीं गायक हुआ तो क्या हुआ? मीरा जी गाते गाते डाकुर में परमात्मा श्री द्वारिकाधीश में प्रवेश कर गए। हम भी गाए, घर में बैठकर काम करते हुए, नाम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। अगर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी तो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। लगी लगी सच्ची लग जाएगा। और सच्ची लगाने के लिए झूठी ही करिए। देखिए भगवान नाम संकीर्तन का नाटक भी करते रहे ना तो अभ्यास हो जाता है। नाटक करे करे अभ्यास हो जाता है प्यारे। नाटक ऐसे ही हो ही तो रहा है। क्या हो रहा है? भगवान नाम हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। राम कहने से तर जाएगा,
पंथ हो गए हो, बहुत रास्ते हो गए, इस समझे में नहीं आ रहा है कि किस रास्ते चला जाए। बड़े बाबा भी हो गए और सब यही बतावत है, ये संसार बड़ा झूठ है, ये संसार रहने लायक नहीं है, न जाने ही कह रहे हैं। इस प्रवचन से बाहर निकलिए, ये संसार बहुत सुंदर है लाला, क्या बात है, बहुत बढ़िया है। ये जो मृत्युलोक है, मैंने एक दिन आपको निवेदन किया था, ये जोग योनि है, ये भोग योनि नहीं है। इसमें जितना सदकर्म कर लीजिए, कमा लीजिए, गठरी बांध लीजिए, काहे कि सत्कर्मों की, झूठा है जगत, झूठा है गलत, क्या झूठा है, काय झूठा है। यज्जीवते क्षणमपि प्रथितं मनुष्यै विज्ञान शौर्य विभवादि गुणै समेतं तन्नाम जीवितमि प्रवदन्ति संतः काकोपि जीवते चिरायु बलिञ्च भुङ्क्ते। महाभारत शांति पर्व, पितामह भीष्म कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से, हे धर्मराज, श्रेष्ठ व्यक्ति क्षण मात्र भी जीता है, विज्ञान शौर्य वैभव के साथ जीता है, उसी का जीना जीना है, नहीं तो कौवा भी घर घर का ग्रास खाकर 100 साल जीता रहता है, जहां बैठता है कांव कांव करता है, लोग कहते हैं अरे मारे मारे मारे, चिल्ला रहा है। ऐश्वर्य में रहने का अभ्यास करो, संसार झूठा है, इस प्रवचन से बाहर निकलो, ये संसार सत्य है। परिवार में रहने की आदत डालिए, बच्चे माता पिता परिवार, ये परमात्मा की कृपा का प्रसाद है, जिसके नहीं है उसके आंसू नहीं निकलते। झूठा प्रवचन, जहां रहना वहीं रोना, कैसे जिएंगे हम? कैसे रहेंगे आप? जिनके घर में किलकारी नहीं है उनसे पूछिए, कौनो देवता देई हट्ठी डीह बाबा छोड़त नहीं है, और जिनके हैं वो रो ही रहे हैं, अरे बच्चे क्या होता है। बच्चों के साथ परिवार के साथ आनंद में रहकर और सुबह शाम भगवान की सेवा करो, मगन रहो, आनंद में रहो, झूठ न पकड़िए, सत्य पकड़िए। अधिकारी लोग बैठे हैं यहां, फर्स्ट क्लास ऑफिसर जब रिटायर्ड हो जाता है तो उसकी जिंदगी 5 साल कम हो जाती है, क्यों? जब ड्यूटी पर थे तो 7 सेवक थे, अब खुद ही सब्जी लाना पड़ता है। इन्हीं में जो समझदार अधिकारी होता है, ड्यूटी पर रहते ही 4 सेवक घर में भी लगा के रखता है कि जब रिटायर्ड हो जाऊंगा तो जीने का आनंद आएगा। अरे साहब कैसे होगा, कोई जीवन है? 2-4 लोग साथ न हो तो क्या जीवन है? और यही जीवन है। कौल भीलों का उपदेश सुनिए, कौल भीलों का संदेश सुनिए। भगवान जब चित्रकूट में पधारे हैं तो भील के राजा कहते हैं, हम सेवक परिवार समेत नाथ न सकू जब आयसु, हे नाथ मेरे स्वामी का संदेश आया है, क्या सेवा करना, हमारे स्वामी गए हैं, अस्तु हम सेवक
कुछ न करिएगा, हम परिवार सभा में हाजिर हैं, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, जहां कहिएगा घुमाएंगे, दर्शन कराएंगे। अही 12 सिंह हृषक पशुओं से बचाएंगे, ये सेवा है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।